नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मुंबई की पुलिस ने की गुंडागर्दी की हदें पार। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से देश भर के पत्रकारों में फैले आक्रोश के बीच बेगूसराय के पत्रकार भी सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को बेगूसराय जिले के पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने काली पट्टी लगाकर विरोध मार्च निकाला। हड़ताली चौक से शुरू विरोध मार्च नगर थाना चौक, कचहरी रोड, कचहरी चौक से कैंटीन चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा। इसका नेतृत्व करते हुए पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह ने कहा कि मुंबई की सरकार और वहां की पुलिस ने चौथे स्तंभ पर हमला किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह बहुत बड़ा कुठाराघात है। मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश है। मीडिया अगर कमज़ोर होता है तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा। हम पत्रकारों को आत्ममंथन करने का समय आ गया है। इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इस बात पर विचार करना चाहिए। मुंबई पुलिस द्वारा जो हमला किया गया है वह केवल अर्नब पर नहीं बल्कि पूरे पत्रकार जगत पर हमला है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के नियम के विपरीत ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का खुल्लम खुला उल्लंघन है। गिरफ्तारी का तरीका गलत है। पुलिस ने मनमानी करते हुए नाजायज तरीके से अर्नब गोस्वामी को ना केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई की और खूंखार आतंकवादियों की तरह वाहन में ले जाया गया। मुंबई की पुलिस हो या बिहार की पुलिस, वह अपराधियों को बैठा कर चाय पिलाती है और सम्मान से गाड़ी में ले जाती है, लेकिन देश के एक नामी पत्रकार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाना व्यवस्था पर काला कलंक है। हम बेगूसराय के पत्रकार अर्नब गोस्वामी और हिंदुस्तान के पत्रकारों के साथ हैं। विरोध मार्च में वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता गोपाल कुमार, अधिवक्ता पत्रकार राजेश कुमार, उपाध्यक्ष सुधांशु पाठक, अजय शास्त्री, सुमित वत्स, जितेंद्र चौधरी, पवन बंधु सिन्हा, विजयकांत झा, पंकज झा, जीवेश तरुण, मनोज कुमार सहनी, अवधेश कुमार, अमित कुमार, अभिमन्यु कुमार, राम कुमार, मोहम्मद मुमताज, नबी आलम, केशव भारद्वाज, आकाश भारती, रविशंकर गन, ब्रजेश कुमार, रवि प्रकाश, विनोद कुमार, शांतनु कुमार, अंकित कुमार, शशिकांत कुमार एवं अमृत कुमार समेत दर्जनों पत्रकार शामिल थे। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके विपरीत है। उनके अरेस्टिंग का तरीका, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो अरेस्टिंग का तरीका है वो 100% गलत है और कानून सबके लिए समान है। पुलिस एजेंसी के लिए वह कानून से ऊपर नहीं है, उनको भी कानून के तहत ही काम करना चाहिए। उन्होंने अर्नब गोस्वामी का जिस तरह तरीके से गिरफ्तारी किया है वह बिल्कुल ही तरीका गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हिंदुस्तान के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ बेगूसराय जिला पत्रकार संघ उनके साथ। आर भारत के एंकर CMD जो भी आप कहें, एक प्रखर पत्रकार देश के हैं, उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस ने जिस ढंग का व्यवहार किया यह निंदनीय है। हम बेगूसराय जिला के पत्रकार पुलिस के इस एक्शन का घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और इस तरह से अगर पत्रकारों के साथ होगा तो देश के चौथे स्तंभ का क्या होगा, यह एक शोचनीय मुद्दा है। हम तमाम पत्रकारों को इस पर सोचना चाहिए कि इस ढंग की पुलिस कार्रवाई करती है जो कानून से ऊपर उठ के CRPC में, संविधान में उनको जो पावर मिला हुआ है पुलिस को, तो हमको भी अधिकार है जीने का और हमको भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उनको जिस ढंग से अपराधी की श्रेणी में रख के और पुलिस के भेन में लाद के बंद करके, जाल में बंद करके इतने बड़े रिपोर्टर को, ये देश के साथ, ये पत्रकारों के साथ घोर उसका अपमान हो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं।